देखो भाई, हमारा मानना तो ये है कि मुलाजमीन, सर्वेंट्स, डॉक्टर, इनकी जो लगामी होती है वो हमेशा मालिक के हाथ में होती है। आहो ते छोटी, ते प्रेशर भी तब मालिक ही पाना नौकरा थे। पायन, तुसी जरा स्टॉप करो अपना प्रेशर। ये साइंस का फॉर्मूला है, समझाती हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मिसाल देकर समझाती हूँ। समझो कि तुम एक कड़क और मजबूत बिस्किट हो। बिल्कुल कड़क और मजबूत बिस्किट हैं, लेकिन हाथ आ गया है वो मालिक दे, और मालिक ने इसको ये डुबकी दी है चाय में, और जरा ज्यादा डुबकी दे दी है, तो फिर की होता है पता है ना तुम्हें, की होता है, ऐ होता है, टूट जाता है, समझे हो? हाँ, आ लो। और एक गल और, ये जरा बिस्किट है ये नरम हो गया है, ठीक है, असी भी इस नु जाया नहीं होण देंदे, खा जांदे। क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब आप लोगों के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड, इसलिए तो आप लोग अपने मोहल्ले में इतने वर्ल्ड फेमस हैं। मतलब? अरे मतलब ये कि आप लोगों के घर के बारे में ना मोहल्ले में ये कहा जाता है कि ये घर नहीं, थर्ड डिग्री टॉर्चर सेल है। जो भी नौकर यहाँ पे आता है 10 दिन से ज्यादा टिकता ही नहीं, आप लोग इतना लताड़ते हैं उसे कि बेचारा भाग जाता। अरे काम चोर होते हैं वो। अरे छोड़िए ना, देखिए आपको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ सबको, पर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते, तो पॉइंट ये है कि इंट्रो मेरा होना चाहिए। सो मैं आए यू मैं इंग्लिश है ना जी, क्या बात, क्या बात है। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, नाम है शाहरुख उर्फ शौकी, प्यार से सब शौकी कहते हैं, और मैं हूं दमदार, जोरदार, जिम्मेदार, वफादार, एक नंबर का मददगार, आप लोगों का नौकर नहीं, हाउस हेल्प। मुझे नौकर लफ्ज अच्छा नहीं लगता, और मेरी इंग्लिश में मत जाएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक्चुअली मैं डबल एमए हूं, वो भी इकोनॉमिक्स। कल सुन गुंडिया, तू इत्थे नौकरी करने आया या सानू पढ़ाने आया है? अरे नौकरी सर, मुलाजमत। देखिए सर, इस काम की ना बाहर मुल्क में तो बहुत इज्जत है, आप लोगों को पता नहीं है, लोग ना गाड़ियों पे आते हैं घर साफ करने के लिए, और यहाँ पे जिन्होंने डबल एमए भी किया है उन बेचारों को क्या ही मिल जाता है, मतलब महीने की कितनी तनख्वाह मिल जाती होगी, 40-50-60 हज़ार रुपए, अरे इससे ज्यादा तो मैं यहाँ से हिट लूंगा। अरे मुल्क के हालात तो वाकई खराब हो गए। ओए छोटी, एते चोरा नु पड़ गए मोर। शॉकिंग, सही नाम रखा है तुम्हारा, वेरी शॉकिंग। पहली बार देख रही हूँ कि डेराली के सामने कोई निराला आया है, हां इतने भरम, वाह जी वाह। मैनू ये दसो हम की कर लेंगे हो? हां अरे ये पूछिए क्या करना नहीं आता मुझे। क्या नहीं कर लेता? बीबी जी, भाई जी, ताई जी, ताई जी, कंग फू, कराटे, खाके, पराठे। इस घर की तरफ कोई भी चोर आइंदा के बाद मुंह कर गया ना तो मेरा मुंह, समझ रहे ना आप, क्योंकि मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ मिलेगा। और जहां तक खाने का सवाल है, खाना तो मैं ऐसा बनाता हूँ कि आप लोग उंगलियां चबा जाएंगे। देखिए जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए डाइट फूड, और जो डाइट पे नहीं है उनके लिए डाइट फूड। मेरे कहने का मतलब है कि जो सैलेड खाना चाहते हैं उनके लिए सैलेड ड्राई, और जो नहीं खाना चाहते उनके लिए कढ़ाई वढ़ाई, मटन, चिकन, स्टेक, वेक, नूडल वूडल, जो आप लोग खाना चाहें। और सफाई के बारे में तो मैं भी तारीफ क्या ही करूं, लोग अपना चेहरा देख लेते हैं अक्सर आईने में। हाँ ठीक है, अब ये तो हो गई सफाइयों की और किचन की बात, मंडे के मंडे ना तुमने सारे कुशन के खिलाफ चेंज करने, और ये फैन जो है ना इनको भी साफ करना होगा। श्योर मैडम, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली काम मेरी लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। मेरे कहने का मतलब है कि 2,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और एक और बात मैडम, आपका ये लॉन गंजा हो चुका है, इसके अंदर कोई पौधे वौधे दरख्त वरख लगा के जरा ग्रीनरी ग्रीनरी करेंगे जो आएगा ना आपका लॉन देखता रह जाएगा। हाँ पर उसके लिए थोड़े बहुत पैसे लगने पड़ेंगे, 40-50 मेरे को दे देना, मैं कर दूंगा। वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन एक बात याद रखना, बर्तनों में से, कप गिलासों में से, प्लेटों में से, डोंगों में से, चमचों में से
अंडों की बूनी आनी चाहिए, समझे तुम? अरे मैडम, अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी खुशबू आएगी ना बर्तनों में से कि आप लोग सारा दिन बैठ के कप और ग्लास ही सूंघते रह जाएंगे। और अगर अगर किसी दिन अंडे की बू आ गई तो आप मेरी तनख्वाह में से 500 रुपया खुद काट लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और हाँ, कपड़े तो मैं धो दिया करूंगा सबके, लेकिन सब मर्दों के, औरतों के कपड़ों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे शर्म आती। पर देखिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आप सबको पता हो, ओके? पहला रूल ये है कि मेरी ड्यूटी होगी 9 to 9, सुबह 9 से रात को 9, और रात 9 बजे के बाद अगर किसी ने भी शौक की करके मुझे बुलाया तो अपने हाथ में 1000 की पत्ती तैयार रखें, क्योंकि रात को कैश लिए बगैर 9 बजे के बाद मैं नहीं आता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मुझे नौकर वर्ड पसंद नहीं है, तो वो चाहे आप हो या आप, इस घर में मुझे कोई नौकर नहीं कहेगा। और अगर फिर भी इनकेस किसी ने कह दिया तो हर एक दफा नौकर कहने पे 50 रुपए फाइन देने पड़ेंगे। रूल इज रूल। अगर तुमने ये ख्याली पुलाव पका लिए हैं और उनको खा भी लिया है, हाँ, और हजम भी कर लिया है ना, तो एक बात कान खोल के सुन लो, अभी हमने तुम्हें रखा नहीं है नौकरी, कल तुम्हारा होगा टेस्ट, पहले हम करेंगे तुम्हें चेक कि तुम किस काबिल हो, मेरी बातें बनाते हो या कोई खाना भी बना लेते हो, हाँ, करतूतें चेक करेंगे कल हम तुम्हारी, समझे हो? जाओ अब क्वार्टर में जाओ, बाकी पुलाव वहां पकाओ, हमें भूख नहीं है। चलो प्राजी, ख्याल रखियो। चलनी कमली हो जावेंगी कल जे तू ना मानी, बैठे बैठे रुल जावेगी तेरी अतरी जवानी, ऐ नवीना गुस्सा करिए मान ना टूट जावे। हाय। हेलो जी, वेलकम टू द निराली हाउस। निराली के घर में एक निराले नौकर को खुश आमदी। आपके मुंह से तो जी नौकर भी मेड इन हेवन लगता है। कल तक यही मुंह और यही घर आपको मेड इन हेल लगेगा। चलिए, थैंक यू जी। निराले नौकर को वेलकम। अबे यहाँ क्या पोछा लगा रहा है, निराली बीबी उठ चुकी होंगी, उनके कमरे के बाहर जाके लगा, जा जा जल्दी जा। काम ओ ओ ओ, नवाब जादे आराम फरमा रहे हैं। कहाँ देखा है इसको, याद क्यों नहीं आ रहा सर, कहाँ देखा है? देखा छुछेरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, को सितारा लगा। जानू जानू, अच्छा सुने, चाय लाओ या कॉफी? मैं तो कहता हूँ चकते फट्टे करा दो, लस्सी बना दो। अच्छा ये बताइए कि साथ में क्या लाऊं, पराठा, केक रस या वो शकर लगी हुई पाकर खानी दिल वाली? पाकर खानी दिल वाली है? ठीक है अभी लाती हूँ, हाथ तो छोड़े ना। नहीं, ऐसे ही चली जाओगी क्या? फिर ओ ओ, अबे हो उठो।
वो मैन व्हाट द पड़ जाता अगर तुम ये नहीं करते तो। क्या वाह 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 लगा रखी है, कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हो। उठा कूड़ी, ये कोई तरीका है क्या ऐसे को उठा देगा किसी को? आर यू मैड? मैड होगा तुम्हारा बाप। ओए बाप पे नहीं जाना, एक बार हाथ उठे ना रुकता नहीं है मेरा। ओके ओके ओके, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि ये सारे काम मेरा बाप करेगा। भाई ये निराली जी का घर है, उनके उठने के बाद इस घर में भूचाल आ जाता है, जलजले आ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो पहले दिन ही तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाए। चलो शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ। नहीं वो मैं क्या कह रहा था कि बस अभी उठूंगा मैं, थोड़ा चावल लूंगा, चेंज करूंगा, फिर कोई काम वाम करेंगे ना। ओ हीरो, इस घर में तुम्हारा कैरेक्टर नौकर का है। नौकर नहीं बोला मुझे, पहले दिन बोला था मैंने। जुर्माना होगा ना फिर, तेरे को पता लगेगा। दोबारा नौकर नहीं बोला। शौकी भाई बाहर निकलिए, काम कीजिए, इसी हालत में समझ में आ रही है? जा रहा हूँ यार, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। हाँ ठीक है ठीक है, दो मिनट में नीचे आ जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं काम करने, नौकर बने। अभी तुझे क्या बताए कहाँ से आया मोटा। डैड क्या किया आपने? अगर तुम लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आते हो तो इसमें हर्जी क्या है? अम्मा थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, वो इस बात पे अड़ गई हैं कि रिश्ता सिर्फ लड़के वालों को ही लाना चाहिए। और अगर मैं अड़ गया तो? सुल्तान जिंदगी बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती है अपने मोहब्बत को हासिल करने का। अगर आपकी असर से शादी हो गई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। मेरी नहीं, तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बन जाएगी। जिस रास्ते पे तुम चल निकली हो उस पे चलते चलते कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। गौरी गो अपने हाथों ते ला दे मेरे ना दी मेहंदी, लिशका मारे रूप सुनहरा ना जदों मेरा लेंदी। सपना मेरा सच हो जावे रब ही मंगदा, तारे गिन के रात कट दे दिन मेरा नहीं लंगदा। चन तो भी ज्यादा सोना बुरी नजरा तो बचावे, जड़ तेरे वल आनी है मुड़ मेरे वल आ जावे। इश्कावे 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 जी सोया, ऐसा भी क्या है सोया? सोया, सोया, सोया। अरे ना नहीं करो, सुबह सुबह ठाने आ गई हो। चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका शौकी तुम। हाँ गुड मॉर्निंग, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो सोया जी एक्चुअली मैं वो क्या बे शौकी तुम्हें शर्म नहीं आती? नॉक करके आना चाहिए था ना, ऐसे कौन आता है किसी के कमरे में? हाँ सोया जी आई स्वेयर मैंने नॉक किया था, कसम से मैं 3-4 बार नॉक करने के बाद ही अंदर आया, लेकिन वो क्या है ना कि आप सो रही थी, ख्वाबों में इतनी मसरूफ थी कि आपने अपनी नींद से बेदार होना मुनासिब ही नहीं। शौकी मेरे सामने डायलॉगबाजी मत किया करो तुम, क्या है क्यों आए हो? ए आप पूछा ना आपने सही सवाल, मैं नाश्ते का पूछ रहा था और किस लिए आऊंगा मैं। चले बताइए क्या खाएंगे आप? अंडा खाएंगे आप? अंडा खाएंगे तो कौन सा अंडा खाएंगे? ऑमलेट, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, फुल बॉयल, हाफ बॉयल, स्क्रैम्बल्ड एग्स, क्या खाएंगे आप? और उसके साथ में क्या खाएंगे? टोस्ट खाएंगी, चपाती खाएंगी, पराठा वराठा खाएंगी या फिर पैनकेक्स? और पिएंगी क्या साथ जो है जी? पीने में क्या लेंगे आप बताइए? कॉफी, लस्सी, टी और नहीं सोच के बताना है तो कोई बात नहीं। सोचने के लिए मैं आपको आपकी पूरी जिंदगी देता।
और नाश्ते का क्या है वो नीचे आके बता दीजिएगा, मैं नीचे आपसे ऑर्डर ले लूंगा। ओके गुड मॉर्निंग, अच्छी नीचे, ओके बाय बाय। कुंडी ना कड़का सोनिया सीधा अंदर आ, कुंडी ना कड़का सोनिया सीधा अंदर आ, कुंडी ना कड़का सोनिया सीधा अंदर आ। सर मैं आ गया सर। ओहो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपके लिए गर्म गर्म चाय। वो तेरा दिमाग खराब हो गया है, और सीधा पहलवान नु चाय पिला के तू बिल्कुल ही माड़ा करना चाहता है। और लस्सी ले आ मलाई पाके। अरे क्यों नहीं सर, मैं लस्सी ले आऊंगा सर। और सर नाश्ते में क्या लेंगे हम? ओ नाश्ते में तीन चार थे चार कोने वाले पराठे। सर पराठे तीन के चार? ओ यार चार लेके आना, चार कोने वाले। ओ चार पराठे चार कोने वाले। ते ओदे नाल छे अंडे। ओके सर। देसी मुर्गी दे। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। चार पराठे और छे अंडे, नो प्रॉब्लम। अंडे सर सनी साइड अप। आप जर्दी ऊपर के नीचे? बोथ साइड। अंग्रेजी। अरे आप आ रहे सर, टू गुड सर, टू गुड सर, टू गुड। ओके सर मैं आपका नाश्ता लेके आता हूँ सर। ले आ फटाफट जा। की होया की है की कुछ लड़ गए की? नहीं सर, एक्चुअली डांस कर रहा हूँ सर। वर्जिश सुबह सुबह बहुत जरूरी है, आप भी क्या करें सर। फटाफट मैं आपका नाश्ता लेके आता हूँ सर। लस्सी जरूर लाई। यस सर। ओ खुश कर। हाँ भाई बंटी जी, की बड़ा तू ऐसी खिदमत कर रहा है, दे नाल नाल लगा जा रहा है, लगा जा रहा है। वो बाबा बात यह है कि सुबह ही सुबह ना आज शौकी ने मुझे पूरे 1000 रुपए टिप दिए। 1000 रुपया? हाँ। और कल मैं इससे डबल लूंगा। डबल? डबल? हाँ। ते आज देते ने 1000 रुपया? हाँ जी दे दी। ते कट पे 500 रुपया जी। ओए तू नौकरी मेरी करना है ते खिदमत हो दिया करना है, कट 500 रुपया उलू दा पठाना होवे ते। कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। ओए बंटी, ओ शौकी बंटी, कितर मर गए सारे के सारे। बंटी रे इतना बड़ा घर है, मैं तो कहता हूँ इसे गांव ही मान लो। सही बात है। आगे आगे। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे मैडम मैं तो कहता हूँ कि घोरे होने की क्रीमों से जान छुड़वा दीजिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई और देखिए सूरज भी निकल आया है। हाउ डेयर यू, दिस इज माय नेचुरल स्किन। नेचुरल स्किन? वेरी नाइस स्किन। मैडम आपसे तो पूछना ही भूल गया, पूरे घर से पूछ चुका हूँ, आप भी बता दीजिए कि नाश्ते में आप क्या लें, सीधा जी की तरह पराठे अंडे या फिर निराली जी के हिसाब से वाफर अंडे। तुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि मैं डाइट फूड लेती हूँ इस कार में? हाँ सॉरी मैम, माय बैड। तू एक काम कर, वो ग्रीक योगर्ट में ना ब्लूबेरी, रैसबेरी, स्ट्रॉबेरीज डाल के ला दे। और वो बंटी कीवी नू की कहंदे ने? कीवी नू कीवी कहंदे ने। हां कीवी। और वो हरा वाला क्या होता है? अवोकाडो, वो भी काट के ला दी मुझे। अवोकाडो? नहीं नहीं। और मैडम साथ में आप पीएंगी क्या? मैं साथ में एक ब्लैक कॉफी ले आऊं। काले रंग दी कोई भी शय ना मेरे नक्के नहीं चढ़दी है। तू एक काम कर, मुझे ना वो लीमो ग्रास वाली ना ग्रीन टी बना के ला दे। ओके नो प्रॉब्लम मैम, श्योर अभी लेके आता हूँ। मैडम हाँ आई पेश गई। वाह ये अच्छा यार, इतना मुश्किल नाश्ता खाते कैसे होंगी ये। काम पे लग चल। कहाँ थे तुम है? ऐसे ड्यूटी देते हो तुम? वो मकू जी ने रोक लिया था ना। ये बहाने बहाने की ना जरूरत नहीं है, अगर तुमने अपना काम सही से नहीं किया तो तुम्हारे 1000 रुपए कट। अब नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ अच्छा एक काम करो जी, ये बताओ कि इतना बड़ा घर गांव महसूस होता है कि घर तो महसूस होता ही नहीं, इतने कमरे हैं। निराली जी का कमरा कौन सा है? निराली जी का कमरा क्यों जी? मुझे क्या काम होगा? तो नाश्ते का पूछूंगा ना इनसे। अच्छा अच्छा निराली जी का कमरा। हाँ जरा ध्यान से दस्तक देना, दम दुरूद करके जाना, अंदर से कुछ भी हो सकता है, तूफान भी आ सकता है। हम किसी तूफान से कम है क्या? तूफान से ऊपर का कुछ है तो बोलो। सुनामी। तो निराली जी सुनामी? कोई बात नहीं मैं देख लूं, तुम फिलहाल ये बताओ कमरा। बंटी ओ बंटी आ रहा हूं आ रहा हूं। काम करो यार, कमरे का तो बताओ मुझे। अरे कमरे का तो बताओ। घंटे
ये देख 12,000 नौकर हैं इस घर में और हालत ऐसी कि कोई हॉरर फिल्म का घर। कौन है तुम? मैं मैडम जी शौक की न्यू सर्वेंट घर में आज ही मैंने ज्वाइन किया। I guess I have seen you somewhere. तुम्हें देखा है मैंने कहीं। अरे मैडम जी एक तो मुझे देखे ना सब लोग यही बोलते हैं। वो क्या है ना मुझे बहुत शौक है टीवी पे आने का, तो जब भी मैं कहीं देखता हूँ ना कोई खड़ा होकर ऐसे इंटरव्यू करता है लोगों का न्यूज वाला, तो मैं फ्रेम में आ जाता हूँ कभी ऐसे करके कभी ऐसे करके। तो सबने मुझे देखा है, आपने भी मुझे देखा होगा। वही हो गया ऑफिस में तुम ही थे ना, देखा मैंने तुम। कौन से ऑफिस में? कौन सा ऑफिस? अच्छा वो ऑफिस तो निकाल दिया मैडम जी। क्यों? मैडम जी गरीब की क्या ही औकात। पर तुम तो बहुत अच्छा काम करते थे है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी, धक्के मार के मुझे निकाल दिया। ओए शौकी मुझे बुला रहे हैं, मैं आता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ आपको कुछ चाहिए तो है? मैं आता हूँ। जी आया मैं। क्या रह गया है? ओए शौकी। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। शौकी साहब तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह वालो हाँ। सुबह क्यों उठ गए आप? थोड़ी देर और आराम करते हैं, जरा आराम से ताजा दम होके आप उठते। अभी तो बांगे भी नहीं थी मुर्गे ने, इतनी जल्दी उठ गए। जाके 5-6 घंटे और सो लेते दोपहर में उठ जाते, ऐसी क्या जरूरत थी सुबह उठने की? मैडम अभी तो सिर्फ 9 ही बजे और एक्चुअली आपके पास आने के लिए इतनी देर हो गई क्योंकि वो मैं रूम टू रूम जा रहा था, नाश्ते का पूछ रहा था, नाश्ता पहुंचा रहा था, तो इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, किसकी इजाजत से आपने मेरे घर में रूम सर्विस शुरू की है? हैं जी मुझे लगा सबको थोड़े लाड प्यार से नाश्ता करा देंगे तो। ना आपके प्यार की क्यों जरूरत पड़ गई हमें? हाँ इस घर के लोगों को ये कोई बच्चे तो नहीं है, सेहतमंद हैं, ना इनकी टांगे टूटी हुई हैं ना बाजू। हमारे घर में ना इज्तमाही तौर पे नाश्ता होता है, डाइनिंग टेबल पे लगता है, और जिस जिस की लतें और बाएं नहीं टूटी हुई ना वो आके ना इज्तमाही तौर पे नीचे नाश्ता करता है, और जो अपनी तशरीफ नीचे नहीं लेकर आ सकता ना उसको नाश्ता नहीं मिलता, समझे आप? यस मैम। और मेरी सुबह मिस्री इलायची और नीम गर्म पानी से होती है, याद रखिएगा। यस मैम। और अगर मुझे सुबह सुबह नीम गर्म पानी मिस्री और इलायची ना मिले तो बड़ा कुछ बैठ जाएगा मेरे गले के साथ ही, याद रखिएगा आप। यस मैम। ना पहले तुम फौज में थे या कोई टेस्ट दे रहे हो फौज में भर्ती होने के लिए? आज तुम्हारा यहाँ पे पहला दिन है, टेस्ट है तुम्हारा, समझे तुम? मॉम टेस्ट की क्या जरूरत है, मैंने इसका काम देखा है, बहुत अच्छा काम करता है, आप बस उसको पक्का रख ले। अरे ऐसे कैसे रख ले, पहले ट्रायल तो लेंगे ना, टेस्ट होगा। नहीं मॉम मैं आपको कह रही हूँ ना, वैसे भी हमें अच्छे मुलाजिम की जरूरत थी, तो बस आप इसको रख ले। देखो शौकी मैंने तुम्हारी मामा के सामने सिफारिश कर दी है, अब तुम दिल लगा के काम करना और मेरी नाक मत कटवाना। मैं दिल लगाना ही तो आया हूँ जी काम में। यस मैम। मैं आपके लिए गर्म पानी मिश्री और इलायची लेके आया अभी मैम। ये इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक? हाँ मॉम काम अच्छा करता है। देखो मेरा मतलब है कि अगर ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है ना तो गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता, वाह क्या बात है, ये करने की भी क्या जरूरत थी, 10 रुपए ज्यादा करते हैं फिर 2 रुपए सस्ता कर देते हैं। गेम है भाई, गेम है, गेम है, गेम है। अच्छा जी 2030 में दो ईदें होंगी, दो मौके होंगे ईदियां इकट्ठे करने के। हमें तो जिंदगी में एक भी मौका ठीक तरीके से नहीं मिला, दूसरा क्या मिलना। पाकिस्तान न्यूज। पाकिस्तान म्यूजिक कंपटीशन, छिड़े सुरों के रंग, बन जाए म्यूजिक वर्ल्ड की नई भड़कती हुई आग। निराली की जिंदगी का सेकंड चांस, निराली ये मौका कभी हाथ से जाने नहीं देगी, कभी नहीं, कोई छेड़े ना छेड़े, निराली खुद छेड़ेगी ये सुरों की आग, भड़का देगी पूरी दुनिया में, निराली का नाम होगा
पर। भाईजान, भाईजान, सीता भाईजान, भाईजान। ओ मेरी जान निकी, की होया है? अम्मा को तू जरा बाहर जा। बाय बाय बाय। मुझे अपने भरा के साथ ना भाईजान के साथ बात करनी है इम्पोर्टेंट। हाँ, और ये जो तू हर वक्त खाबे के ऊपर जोर रखती है ना, ये हेल्थ के लिए तेरी अच्छा नहीं है। जा मक्कू, ओ मेरी जान, जा चली जा, हो जूगा, सब हो जूगा, तू जा। जल्दी करो जल्दी, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। और तुसी जो हर वक्त मेरी इंसल्ट करते रहते हो, आजा खुशबू, तो कम खाया करना। ओ मेरी जान, हो जूगा, नाराज ना हुई। आई जान, ये होया भाई की, ये देखिए, पढ़े 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 पढ़े, ये क्या पे अलिफ पा, पाकिस्तान म्यूजिक कंपटीशन, छह सुरों के रंग है, आगे क्या लिखा है, और पंजाब म्यूजिक वर्ल्ड की भड़कती हुई आग, तुझे के ऑय फॉर ऑल एजेस, भाई जान पाकिस्तान जाना है, ऑडिशन के लिए जाना है मुझे। अरे मेरी जान, इतनी छोटी उम्र च ऑटो ऑडिशन देगी? भाई जान, मौसी की कोई उम्र नहीं होती, और आप जानते हैं कि ये मेरा ख्वाब है, मेरे अंदर जो आग भड़क रही है ना सुरों की, ये ऐसे नहीं बुझेगी भाईजान। आपको पता है ना मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है, सेठ साहब ने शादी के बाद मुझसे मेरा टैलेंट छुड़वा दिया था, मुझे मना कर दिया, और मैं क्योंकि वो मेरे लव यू थे तो मैंने उनकी खातिर की कुर्बानी दी। वैसे मुझे अच्छी तरह याद है, एक फंक्शन में जब तू गाना गा रही थी तो शेख साहब तेरे सामने बैठे थे, ये तूने राग छेड़ा मालकोस, तो शेख साहब का मालकोस बाहर आ गया था। वैसे सेठ साहब ना अच्छा नहीं समझते थे कि उनकी खूबसूरत बेगम लोगों के सामने गाना गाए। आप बोल रहे हैं हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी? इन्हीं महफिल में हुई थी। बिल्कुल पीछे पड़ गए थे मेरे, याद नहीं है आपको? याद है, याद है। अरे नहीं, ये मर्द भी ना बड़ा ही कन। क्या ना ना भाईजान, आपको नहीं पता मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, कोई ऐसी वैसी बात मेरे मुंह से निकल सकती है आपके सामने? कह दूं जो कहना था। हाँ खाओ। कंजूस। हाँ। कंजूस होते हैं, कंजूस के पुत्र, कंजूस के बच्चे। शुक्र अब तो नहीं है। और देखिए शादी से पहले माशुका, हाँ। और शादी के बाद माँ बहन। अंजी होता है, अंजी होता है, उन करना की है। टेस्ट करूंगी और फिर जाके ऑडिशन दूंगी। तू जाएगी ऑडिशन? हाँ। वास्ते? हाँ। और तेरा भरा मर गया क्या? क्या मतलब है? कल ते सुन। हाँ। वो जेड़ा डायरेक्टर है, जेड़ा नंबर लिखे है। हाँ। वो इत्थे आएगा, मेरी बहन दा ऑडिशन लेवेगा। ये देख डायरेक्टर दा नंबर लिखे है। हाँ। मैं उसनु फोन करांगा, जे वो नहीं आया तो मैं चुप के ले आवांगा। ऐसा हो सकता है? हाँ। बिल्कुल शुरू कर, डायरेक्टर इधर आएगा, ऑडिशन इधर ही लाएगा। बस कर दे, बस कर दे। मेरा साथ दिया है और मेरे टैलेंट को सराहा है। मेरी जान, भाईजान, मैंने अपने ना ड्रीम्स जो है ना वो फुलफिल कर लेने हैं। मेरी जान, गली कोई नहीं, हो जूगा भाई, हो जूगा, हो जूगा भाई, हो जूगा। डायरेक्टर आएगा, ऑडिशन असी भी तक ले आगे, जबरदस्त गड़प्पू होगा, डायरेक्टर कोलो भी पैसे लिए जाणगे, ते निक्की कोलो भी पैसे लिए जाणगे, पैसे लिए जाणगे, पैसे लिए जाणगे, हो जूगा भाई, हो जूगा, हो जूगा भाई, हो जूगा। दो लेने दो, चमकाने दो, गंदी प्लेटों को धो डालूंगा, ऐसा चमकाऊंगा सब देखेंगे मैं। वाह 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 वाह, शौकी भाई मांझ मांझ के बर्तन धोए जा रहे। वैसे एक बात बताओ, इससे पहले ये काम जो है ना जोया बीबी किया करती थी। क्या बोला तूने? जोया बीबी? बेशरम, बेगैरत, बेहया, बेवकूफ, शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे इतने नाजुक हाथों से इतना सख्त काम करवाता है क्या कोई? वे दोजख में ना 101 गुर्जे पड़ेंगे, और कहां पड़ेंगे तुम्हें अच्छी तरह पता है। बाद में ना करते रहना, उठा के दो मुझे। हाँ। क्या है? उधर देखो, इधर। अरे यार, मुझे को काम करना है, जाओ यहां से।
तब देखो तो डिस्टर्ब करने आ जाते हैं बेवकूफ। सोना जी से कोई बात है नहीं यार, ये लोग भी ना। शौकी तब इसका ऐड नहीं है, इतनी जुल्म वाली कहानी सुनी है तुमने मेरी, इतनी सैड स्टोरी थी, जुल्म हुआ था इन हाथों पे, थोड़े तो रियलिस्टिक एक्सप्रेशन दो। कट। एक्सप्रेशन अच्छा था। कैसे हो ये काम, कैसे हो मतलब ये तो साबुन चला गया मेरी।